ये क्वेश्चन गेट 2003 में पुट हुआ था। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, एंड कपल्स आर इनवाइटेड टू पार्टी विद द कंडीशन दैट एवरी हस्बैंड शुड बी अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, हाउएवर अ वाइफ नीड नॉट बी अकम्पनीड बाय हर हस्बैंड, द नंबर ऑफ डिफरेंट गैदरिंग्स पॉसिबल एट द पार्टी। ठीक है, कितनी गैदरिंग पॉसिबल होंगी। अगर आपको याद आ रहा हो, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने वीडियो नंबर 68 में आपको बताया था, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशंस पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री में मैंने ये एज इज क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए सब कुछ, तो प्लीज वीडियो नंबर 68 देखो, मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा रखा है। अच्छा देखो, रिवीजन में मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखो हस्बैंड है और वाइफ है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जाए पार्टी में, या हस्बैंड जाए वाइफ ना जाए, या वाइफ जाए हस्बैंड ना जाए, या दोनों ही ना जाए। अगर दोनों ही नहीं जा रहे तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो इन्विटेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, इन्विटेशन इज रिजेक्टेड। देखो ये शायद आपके मन में ना आए जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप मतलब गेट का एग्जाम लिख रहे होंगे, शायद ये चीज आपके मन में नहीं आएगी कि इन्विटेशन रिजेक्टेड भी हो सकता है। बट एक्चुअली ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको कोई इनवाइट करता है तो आपकी मर्जी, आप जाओ या ना जाओ। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट ऑब्वियस ही बात है ना कि आप नहीं भी जाना चाहते तो आप नहीं जाएंगे। कोई जबरदस्ती हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया तो आप जाओगे ही जाओगे, है ना। आप बोल सकते हो कि मेरा एग्जाम है या कोई और प्रॉब्लम है एंड सो ऑन। तो हम इन्विटेशन रिजेक्टेड का केस भी लेके चलेंगे, मतलब दोनों ही ना जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा अब देख लो क्या क्या चीजें पॉसिबल है, हस्बैंड वाइफ दोनों जाए, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा हस्बैंड जाए बट वाइफ ना जाए, तो इन्होंने कंडीशन क्या दी थी, एवरी हस्बैंड शुड बी अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, मतलब हस्बैंड के साथ वाइफ जाना बहुत जरूरी है। तो हस्बैंड जाए वाइफ ना जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या था, हाउएवर अ वाइफ नीड नॉट बी अकम्पनीड बाय हर हस्बैंड, मतलब वाइफ जाए और हस्बैंड ना जाए, दिस इज पॉसिबल, और दोनों ही ना जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मतलब हर एक कपल के साथ मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, वी हैव थ्री पॉसिबिलिटी फॉर ईच कपल। अच्छा और टोटल कपल्स कितने हैं जी, एन कपल्स है। तो मैं क्या कहूंगा, पहले कपल की तीन पॉसिबिलिटी, दूसरे की भी तीन, तीसरे की भी तीन, डॉट 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 डॉट, है ना, अप टू एन टाइम्स। तो टोटल ये एन हो जाएगा, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, मल्टीप्लाई। क्यों हो रहे मल्टीप्लाई, आपको याद आ रहा होगा मल्टीप्लीकेशन रूल, क्योंकि हमने पहले कपल की तीन पॉसिबिलिटी गिन ली, तो अभी हमारा काम खत्म नहीं, हमें अब नेक्स्ट कपल पे जाना पड़ेगा, उसकी भी तीन पॉसिबिलिटी काउंट करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। बेसिक सी बात आपको पता होगी, बॉक्स मेथड से भी आप देख सकते हैं, बॉक्सेस में हमारे पास ये टोटल कितने बॉक्सेस होंगे, एन बॉक्सेस होंगे, और हर एक बॉक्स में हमें क्या भरना होगा जी, तीन तीन तीन। ठीक है, नहीं समझ आ रहा इसमें मैं क्या कर रहा हूं, तो प्लीज मेरा वीडियो नंबर 68 देखो, मैंने वहां सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपको बॉक्स मेथड भी नहीं पता क्या है, तो बिल्कुल मेरे स्टार्टिंग के परम्यूटेशंस के वीडियो देखो, वहां पे मैंने बॉक्स मेथड भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, शायद वीडियो नंबर 66 होगा, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, जो वेरी फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने परम्यूटेशंस पे, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो फाइनली आप समझ पा रहे हो 3 × 3 × 3 एन टाइम्स आया, तो 3 पावर n, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा और आप ना ऑप्शंस भी चेक कर सकते थे एग्जाम में, अगर आपको ये लगता है डाउट कि इन्विटेशन रिजेक्टेड वाली बात पता नहीं हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एंड सो ऑन, तो एक्चुअली गेट एग्जाम में 2 पावर n वाला कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 पावर n ही था, तो आप यहां से भी जज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप मतलब यू कैन से कि थ्योरी बना सकते हैं क्वेश्चन की कि किस टाइप से शायद सॉल्व हो रहा होगा एंड सो ऑन। तो 3 पावर n देखते ही आपके एग्जाम में आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि 3 पावर n, तो पक्की बात है बॉक्स मेथड में हर जगह 3 3 3 भरकर हम लोग आंसर ला रहे होंगे, तो हर जगह 3 3 3 भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं, फिर आप यहां से ये थ्योरी बना सकते थे कि अच्छा ये तीन तीन पॉसिबिलिटी आ रहे हर एक कपल की एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।